वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल गाइस, आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। वेल, पूरे 5 महीने से हम जो कहते रहे फाइनली वो हो गया। ऐसा लग रहा है दैट प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड और फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला होल्डेड द ट्रॉफी। सच में वो मोमेंट काफी यू नो दिल धक धक कर रहा था। देसी पटाखा ने आपको बहुत पहले बता दिया था कि सिद्धार्थ जीत चुके हैं, बट फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं, अमेजोन पर असिम को विनर बताया जा रहा है, इस पर उसको विनर बताया जा रहा है। लेकिन गाइज, वी वर श्योर दैट सिद्धार्थ शुक्ला विल विन, क्योंकि सिद्धार्थ ने दिल से खेला है। असिम को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला सिद्धार्थ शुक्ला था और सिद्धार्थ ने हमेशा असिम का स्टार्टिंग में साथ दिया और एक अननोन चेहरे को भी स्टार बना दिया। और ट्रू सेंस में जो असल में जीत को डिजर्व करता था वो था शेर, और शेर जीत गया गाइस। सो हैप्पी, क्योंकि मैं बहुत ट्रोल हुई हूँ भाई सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ पेड पीआर ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, और मैं सिद्धार्थ की पहले फैन भी नहीं थी। जब से बिग बॉस को मैंने फॉलो करना शुरू किया, बिग बॉस सीजन 13 को, तब से मुझे वो अच्छे लगने लगे। और उसका रीजन था उनकी अच्छाइयां, जो वो थे वही वो थे। ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी समवन जो वो नहीं थे, है ना। बहुत क्लीन एंड क्लियर टाइप का इंसान था भाई, जो हूं सबके सामने हूं और ऐसा ही हूं मैं। और ऐसा ही सिद्धार्थ शुक्ला जीत गया है। हर सेंस में सिद्धार्थ शुक्ला डिजर्व करते थे बिग बॉस सीजन 13 का टाइटल जीतना। और हम ये बात अक्टूबर के महीने से बोल रहे थे, यानी कि शो की शुरुआत से ही बोल रहे थे, और फाइनली वो हो गया। रियली सो हैप्पी फॉर हिम। वेल गाइस, आप कितने खुश हैं सिद्धार्थ शुक्ला फाइनली जीत गया? क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला के डाई हार्ट फैन हैं, जो चाहते थे सिद्धार्थ शुक्ला जीते, जो मेरे साथ रोज ये प्रे करते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला जीते। और अगर सिद्धार्थ के बारे में कोई भी कुछ बोलता था तो हम लोग मैदान में उतर जाते थे कि सिद्धार्थ के लिए कैसे बोला। और फाइनली अब सिद्धार्थ जीत गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ये दूसरा रियलिटी शो है जो जीत चुके हैं खतरों के खिलाड़ी के बाद, नाउ बिग बॉस सीजन 13। और शायद सिद्धार्थ जैसा खिलाड़ी बिग बॉस सीजन 13 में, माफ कीजिएगा, बिग बॉस के इतिहास में ना ही कोई रहा है और ना ही कोई होगा। क्या आप भी मेरी बात से इत्तफाक रखते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके साथ ये 5 महीने की जर्नी, बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुंचाना, रात रात को जगना, नींद आ रही होती थी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती थी आप तक मैं अपडेट पहुंचाऊं, क्योंकि दैट वॉज माई ड्यूटी एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी ड्यूटी को सच्चे दिल से निभाऊं। फिर से मुलाकात होगी आपसे बिग बॉस सीजन 14 में। तब तक Do whatever you want to do, but don't trouble Mata, Pita and Bharat Mata. Bye guys.